बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पॉलिटिक्स बॉक्स पर आप वो कुछ देख सकें कि जो आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम इस वक्त जा रही है पूरे पाकिस्तान में। सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, हर हलके के सर्वेज किए जाएंगे, वहां इंतखाब लड़ने वाले जो अहम उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज भी आपके सामने आएंगे और आपको बताया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में है, कौन सी पार्टी बेहतर पोजीशन में है। ये सब कुछ आप पॉलिटिक्स बॉक्स पर देख पाएंगे, तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब भी कर लें, उसके पेज को लाइक और फॉलो कर लें ताकि ये अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। सुबह असेंबली का हल्का पीपी 129 तहसील अहमदपुर सयाल जिला जंग की यह तहसील है, उस पर यह मुश्तमिल है। और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहां से राणा शहबाज अहमद खान यहां से कामयाब हुए थे। असेंबली डिसॉल्व होने के बाद यह नशिस्त इस वक्त अब खाली है, पूरे पंजाब की तरह यहां भी सियासी गहमा गहमी अब जोर पकड़ रही है। और मैं आपको अंदाजा दिलवा दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। अमीर अब्बास खान यहां से सूबाई असेंबली के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। साबिक एमएनए मरहूम नजफ अब्बास सियाल के ये फर्जंद हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम का भी यहां पे आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों ही देखा गया था कि जब अहमदपुर सयाल तहसील हेडक्वार्टर के पुल नजफ चौक पे उनका एक बड़ा इस्तकबाल भी यहां से किया गया था, और ये इस्तकबाल करने वाला कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी, यहां से कोई मुंतखब चेयरमैन या नाजिम नहीं थे, बल्कि एक ऐसा नौजवान अजर चांद था कि जो रेहड़ी लगाता है, समोसे पकौड़े और दीगर जो फास्ट फूड है उसकी ये रेहड़ी लगाता है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि अजर चांद आपके लिए फास्ट फूड भी तैयार कर रहा है, लेकिन इस इंतखाबी अमल के दौरान उसकी दिलचस्पी का आप अंदाजा लगाएं कि इसने अपनी जेब से एक बड़ा खर्च किया। जो इसने जमा पूंजी कर रखी थी वो इसने अमीर अब्बास खान पे खर्च कर दी, और कहा यह जा रहा है कि एक शानदार एक जो सियासी अमल है उसका इसने आगाज कर दिया है। जब ये बेयकीनी की कैफियत के अंदर लोग शिकार थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अजर चांद ने इस्तकबाल किया पुर नजफ चौक से, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और उसके साथ साथ बड़ी तादाद के अंदर कबूतर छोड़े गए, और एक सियासी अमल जो है इंतखाबी अमल है उसके आगाज का ऐलान कर दिया कि इंतखाबात होंगे। और इंतखाबात के दौरान इस बार गहमा गहमी जो पहले से भी ज्यादा देखी जा सकती है। ये लेके गए हैं 5 फरवरी का एक कन्वेंशन भी था, अजहर चांद की तरफ से कन्वेंशन भी हुआ, वहां पे अमीर अब्बास खान वो यहाँ पे पहुंचे, इनका इस्तकबाल किया गया था, उसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त तहसील अहमदपुर सयाल में ये एक हैरत अंगेज इस्तकबाल था, और एक आम से एक गरीब से वर्कर ने ये अमीर अब्बास खान का इस्तकबाल किया। इस्तकबाली जो जलूस था उसके अंदर जोश खरोश आप देख सकते हैं कि इस वक्त बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, वो इस इस्तकबाली जलूस के अंदर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और ये जोश खरोश भी एक बड़ा हैरत अंगेज था। राणा जहांसेब अली खान जो साबिक नाजिम हैं यहाँ से तहसील हेडक्वार्टर जो शहर अहमदपुर सयाल का वहां से मुंतखब हुए थे, साथ की यूनियन काउंसिल समंदवाना से, वो इस वक्त अमीर अब्बास खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, बड़े वफादार उन्होंने इनका साथी होने का सबूत दिया। मरहूम नजफ अब्बास के भी इंतहाई मोतमेद खास थे, और अब ये अमीर अब्बास खान के साथ भी अपनी दोस्ती अपने ताल्लुक को भरपूर तौर पर इस वक्त निभा रहे हैं। और कई शख्सियात थी यहाँ, शेर हैदर सयाल साहब थे, साबिक मेंबर जिला काउंसिल जानी खान सयाल साहब थे, मार कमर दवाना साहब थे, इसके रमजान सामल साहब, जो दीगर शख्सियात हैं वो भी इनके साथ थी। लेकिन सबसे जो हैरत अंगेज यहाँ पे अमर था वो यही था कि उनका जो इस्तकबाल है वो बड़ा गैर मामूली तौर पर किया गया। डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब इनके साथ थे, इसके अलावा भी एक बड़ी मोजीन की तादाद इनके साथ थी, उनके ग्रुप के जो अफराद हैं उनकी तादाद इनके साथ थी, जिससे अब ये लग रहा है कि इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है, भरपूर तौर पर अब ये सिलसिला आगाज होगा, और जिसका आगाज